याद है इनकी सरकार, लाल टेन प्रदेश बना के रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहां। तो शिवराज ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। गोविंदपुरा विधानसभा बीजेपी की प्रत्याशी और पूर्व महापौर कृष्णागौर इलाके में जोरदार तरीके से जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांग रही हैं। कृष्णागौर को उम्मीद है जनता उनका साथ देगी। कृष्णागौर का काफिला जब अयोध्या नगर पहुंचा तो वहां की जनता ने उनका फूल माला से स्वागत किया। कृष्णागौर ने कहा कि यहां की जनता ने उनका कार्य देखा है और जनता का स्नेह और आशीर्वाद उनको यहां से मिलता रहा है। कृष्णागौर ने कहा कि इस चुनाव में भी जनता उन्हें ही वोट देगी और फिर से शिवराज सरकार बनेगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है कृष्णागौर, जो कि गोविंदपुरा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कद्दावर नेता भी मानी जाती है। बाबूलाल गौर भी यहां पहले से मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। आइए पूछते हैं यहां का रिस्पांस कैसा है जनता का और कृष्णागौर के प्रति। जी मैम, बहुत अच्छी तरह से जनता मुझे जानती है, छोटे छोटे बच्चे भी नाम जानते हैं। हर बहन की आंखों में बहुत बड़ा विश्वास मेरे प्रति है। इस क्षेत्र के नागरिकों को ने मेरा विकास देखा है, महापौर का कार्यकाल देखा है और जो गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का आज इतना विकास हुआ है ये निश्चित रूप से महापौर कार्यकाल की बहुत बड़ी देन है। तो लोगों को ये विश्वास है इस क्षेत्र की जनता को कि हम विकास करने में ही सबसे ज़्यादा मदद करते हैं और विकास ही हमारा उद्देश्य होता है। इस दृष्टि से लगातार विकास इस क्षेत्र की जनता चाहती है और विकास को ही वोट देना चाहती है। बीजेपी का बोलना है कि अब की बार 200 पार समृद्ध मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो समृद्ध मध्य प्रदेश और 200 पार में क्या 200 पार हो पाएंगे? पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी, शिवराज जी के नेतृत्व में हम चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। तो ये थी हमारे साथ कृष्णागौर, जो पूर्व में महापौर भी रह चुकी हैं और यहाँ से गोविंदपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। कृष्णागौर ने शिवराज सरकार की भी जमकर तारीफ की और कहा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विकास किया है और जनता विकास चाहती है। कृष्णागौर ने विकास की बात करते हुए कहा कि बीजेपी समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएगी और जन भावनाओं के अनुरूप काम करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जिंदाबाद। याद है इनकी सरकार, 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे,
दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव-गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी, खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना, तब शिवराज ही था जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। याद है इनकी सरकार, ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।